आज की हमारी मूवी है द सेंट। ये 2012 की मूवी है जो कि थ्रिलर हॉलीवुड मूवी है और उसे हम आज एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। यह एक बहुत ही मिस्टीरियस मूवी है जिसका अंत आपको देख के आपका दिमाग घूम जाएगा, इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम कैम होता है। वो एक डिटेक्टिव एजेंसी में काम करता है। उस पर यह आरोप होता है कि वो सीनियर की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ है, जो कि बिल्कुल सच नहीं होता। पर वो खुद को साबित नहीं कर पाता क्योंकि उसे गलत सिचुएशन में देख लिया जाता है, इसलिए वो 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाता है। जो कि वो सस्पेंड हो चुका रहता है, इसलिए वो खुद की एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेता है, जिसमें अगर किसी को लगता है कि हमारा पार्टनर हम पे चीट कर रहा है तो वो कैंग के पास मदद के लिए जाते हैं। कैंग का एक उसूल है कि कभी भी किसी ने लाइफ में किस पर भी चीट नहीं करना चाहिए, जो कि उसने किया नहीं था, फिर भी वो सस्पेंड हो गया था। उसी वजह से उसकी वाइफ, जिसका नाम यांग होता है, वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। उसके बाद कैंग के ऑफिस में कुछ क्लाइंट्स आए, उनकी कैंग मदद कर देता है। उसके ऑफिस में जीपोंग नाम का भी एक शख्स काम करता है जो पहले इस्कॉन हुआ करता था, पर उसके बाद कैंग ने उसे हायर कर लिया। जीपोंग की हरकतें देखने में डम लगती है पर वो बहुत ही इंटेलिजेंट दिखाया जाता है। उन दोनों ने मिलकर जितने भी केसेस सॉल्व किए हुए होते हैं वो बहुत ही ट्रिकी वे से करते हैं और उसके सारे एविडेंस वो अपने ऑफिस में रखते हैं। उसके बाद जीपोंग कैंग को याद दिलाता है कि आपसे मिलने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत क्लाइंट आई है। उसे मिलने के लिए कैंग भी एक्साइटेड होता है। उस लड़की का नाम सुजिन होता है। वो कैंग से कहती है कि मुझे लगता है मेरा हस्बैंड मुझ पर चीट कर रहा है और मुझे उसे रंगे हाथ पकड़ना है। उस पर कैंग कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम उसके यहाँ जाएंगे और उसकी वीडियो टेप रिकॉर्ड करके लाएंगे। बाद वाले सीन में हमें कैंग यांग को मिलते हुए दिखता है, जो कि उसकी वाइफ होती है, और वो 2 साल से उसे डिवोर्स देना चाह रही होती है, पर कैंग डिवोर्स पेपर पर साइन ही नहीं करता। वो हमेशा कहता है कि मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है, और यांग उससे कहती है कि प्लीज़ साइन करो और मुझसे डिवोर्स ले लो। उसके बाद रात में कैंग सुजिन के हस्बैंड को पकड़ने के लिए मोटल में जाता है और वो मोटल में जाते वक्त उसे एक कपल देख लेता है। उसके बाद वो सुजिन के हस्बैंड का डोर नॉक करता है और कहता है कि शायद मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ, और वो यह कंफर्म करता है कि सुजिन का हस्बैंड एक दूसरी ही लड़की के साथ है। उसके बाद वो बाजू वाले कमरे में, मतलब के सुजिन के कमरे में आ जाता है। वो सुजिन को देखता है और सुजिन उसे बहुत कंफ्यूज लगती है। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को मुसीबत में नहीं डालना चाहती, और वो शराब पीने लग जाती है। क्योंकि सुजिन बहुत हर्ट थी, वो कैंग को भी ऑफर करती है पीने के लिए। कैंग भी उसका साथ देता है क्योंकि वो हर्ट थी, तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद सुजिन उसे किस कर लेती है। रात को कैंग जब उठता है तब उसे लगता है कि उन दोनों में कुछ तो भी हुआ है, जो कि वो कभी भी करना नहीं चाहता था। और वो सुजिन को देखता है तो सुजिन डेड पड़ी हुई होती है, उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई होती है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। उसके बाद वो सुजिन के हस्बैंड के रूम में गया, वहाँ पर भी वो देखता है कि उसके हस्बैंड की भी डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो उसे देखकर भी चौंक जाता है। वहीं पर उसे एक लड़की दिखती है जो कि वो भी घबराई हुई होती है, और वो उसके सामने आ जाती है। कैंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहती है मैं सुजिन हूँ। वो उसका आईडी कार्ड भी चेक करता है, वो सच में असली वाली सुजिन होती है। कैंग कहता है जब मैं तुम्हारे रूम में आया था तब तुम कहाँ थी। वो कहती है मैं तब बात ले रही थी, यानी कि कैंग किसी दूसरी ही लड़की के साथ था जिसका भी नाम सुजिन ही था। सुजिन कहती है जैसे ही मैं शॉवर लेके रूम में आई मैंने सीधा डेड बॉडी ही देखी। उसके बाद कैंग कहता है कि सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, हम दोनों इस अनजान होटल में रुके हुए हैं, हमें सब्र रखना होगा। कैंग कहता है हमारे पास 2 डेड बॉडीज है, अगर किसी को भनक लगी तो हम दोनों भी जेल जा सकते हैं, क्योंकि सबका शक हम दोनों पर ही आ जाएगा। इसलिए कैंग जल्दी से जाता है और रिकॉर्डिंग चेक करता है, पर जो खूनी रहता है वो रिकॉर्डिंग भी ले जाता है साथ में। तो वो डिसाइड करता है कि क्राइम सीन को साफ किया जाए, इसलिए वो उसके साथी जीपोंग को फ़ोन लगाता है और वो दोनों मिलकर क्राइम सीन को साफ कर देते हैं। एक रिमोट सी जगह पर जाकर
वो दोनों डेड बॉडीज गाड़ कर आ जाते हैं। उसके बाद कैंग के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जिस सुजीन से वो मिला था वो कौन थी, और जो ओरिजिनल सुजीन थी उसकी आईडी उसके पास तो वो आईडी के एड्रेस पर चला जाता है जो ओरिजिनल सुजीन का होता है। वो सुजीन के घर जाता है, वहाँ वो देखता है कि सुजीन के उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोटो लगी हुई होती है। कैंग और चेक करता है, उसे पता चलता है कि उस सुजीन ने उसकी पूरे रिकॉर्ड्स निकाल रखे हुए होते हैं। कैंग की सभी जानकारी सुजीन के पास होती है, इसका मतलब कि कैंग को उसने जानबूझकर टारगेट किया है। ये कैंग को पता चल जाता है। उसके बाद वो सुजीन से कहता है कि कुछ दिन नॉर्मल रहो और उसके बाद तुम अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देना, क्योंकि उसे वो बहुत डरी हुई दिखती है, इसलिए वो सुजीन से ऐसा कहता है। अब सुजीन को ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ सच सच पुलिस को बता देना चाहिए, इसलिए वो पुलिस को फ़ोन लगाती है और पुलिस उसके घर पर आती है। वो उससे सवाल करती है और उस पर सुजीन कहती है कि वो मेरे हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पर गए थे। उस पर पुलिस सीरियसली नहीं लेती और वो कहती है कि किसी और लड़की के साथ गया होगा। तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है, जो कि कैंग के 2 साल पूरे हो चुके हैं। वो उन पुलिस को बताता है कि मैं अपनी ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ, और वो सुजीन को सच बताने से रोक लेता है। कैंग ने सुजीन के हस्बैंड की गाड़ी ठिकाने लगाने का काम जीपोंग को दिया था, जो कि जीपोंग को उसकी कार बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो कहीं पर छुपा देता है। पर वो कार पुलिस को मिल जाती है। वो सुजीन को कॉल करते हैं और सुजीन सच बताने के लिए पुलिस के पास चली जाती है। बीच में उसे कैंग मिलता है और वो उसे रोक लेता है। जबकि सुजीन पुलिस स्टेशन आ ही चुकी थी तो पुलिस वाले उसे सवाल करते हैं, तो वो कहती है शायद मेरे हस्बैंड का किसी से अफेयर था। कैंग की वाइफ, वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही होती है, वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। वो उसे देखकर सोचती है कि कैंग और सुजीन इन दोनों में कुछ तो भी चल रहा है। वो उन दोनों को बातें करते हुए सुन लेती है। जब सुजीन वहाँ से चली जाती है तब यंग कैंग को बोलती है कि इसका सेंट बहुत ही सेडिक्टिव है, इसका हस्बैंड मर चुका है फिर भी उसे परफ्यूम लगाने की फुर्सत है। यंग को लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। उसके बाद पुलिस टीम सुजीन के हस्बैंड के कॉल रिकॉर्ड्स निकालता है। सुजीन का हस्बैंड जिससे बात करता था उसका नाम भी सुजीन ही था, उसका नाम डेड सुजीन होता है। पुलिस टीम उसके घर पर जाती है, वहाँ उसे उनका बॉयफ्रेंड मिलता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं उस सुजीन का जिम ट्रेनर हुआ करता था, पर अब हम दोनों में बनती नहीं थी इसलिए उसने हमें छोड़ दिया, और वो कब की चली गई है, उसने किसी अमीर आदमी को पटा लिया था, ऐसा वो पुलिस से कहता है। नेक्स्ट सीन में कैंग रियल सुजीन के घर पर जाता है। जब वो घर पर नहीं होती तब वो सुजीन के मेड से बात करता है। वो उसे एक्स्ट्रा मनी देकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है, और वो कहती है कि सुजीन का पति उसे बहुत मारा करता था। उसके बाद वो सुजीन को मिलने जिम में जाता है, और जब वो उसकी बॉडी पर देखता है तो सच में बहुत सारे मार्क्स उसके बॉडी पर दिखते हैं। इन सब का कनेक्शन उसे लगता है सच में सुजीन इन्वॉल्व है उसके पति के मर्डर केस में। उसे कहता है तुम्हारा पति बहुत ही पैसे वाला था और वो तुम्हें मारा करता था, और एक दिन वो तुम्हें मार डालता, इससे अच्छा तुमने उसे मार डाला, यही सच है, ऐसा कैंग सुजीन से कहता है। सुजीन ये बात सुनकर बहुत बहुत गुस्सा होती है और वो कैंग से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसके बाद अपना मुंह कभी मत दिखाना। कैंग सबूत जुटाने के लिए सुजीन पर नजर रख रहा होता है। सुजीन को वो पता होता है, वो उसके ही सामने न्यूड होकर बात लेने चली जाती है और उसे कॉल करती है, कहती है कि तुम्हें लोगों पर नजर रखने में बहुत मजा आता है, घर के अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कैंग से कहती है कि मेरी जब पहले पति से शादी हुई थी वो बहुत ही अच्छा था, पर वो मुझे किसी से भी बात नहीं करने देता था, वो बहुत ही जेलस होता था इसलिए वो मुझे मारता था, इसी बात से मैं तंग आकर उसे मैंने छोड़ दिया और मैंने दूसरी शादी कर ली, पर मेरा पति दूसरा भी अच्छा था पर वो फिर भी मुझे मारता था क्योंकि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, और जब मैं उसके पास कन्फ्रंट करने के लिए गई तो उसने मुझे ही पीटना शुरू कर दिया, इन सब भी बातों से मैं तंग हो गई थी। पर वो कैंग से कहती है कि मेरा पति दूसरा वाला कैसा भी हो पर मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं उसे मार नहीं सकती। उसके बाद वाले सीन में हमें कैंग अपनी पत्नी के साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। कैंग यांग को डिवोर्स के बारे में मनाने वाला था, पर वही पे सुजीन का उसे कॉल आ जाता है और वो कहती है कि आफ्टरनून से कोई तो मेरा पीछा कर रहा है। कैंग सुजीन के घर पहुंच जाता है
और वो देखता है कि वहाँ एक आदमी खड़ा है, वो उसका पीछा करता है। उन दोनों में फाइट भी होती है, उसमें कैंग बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुजिन उसका ख्याल रखती है। कैंग सुजिन से कहता है कि ये सब बातें बहुत ही स्ट्रेंज हो रही है, क्योंकि तुम्हारा जो परफ्यूम है वही डेड सुजिन का भी परफ्यूम है। ये दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों किस करने वाले होते हैं। बीच में सुजिन को कॉल आ जाता है। पुलिस सुजिन से कहती है कि उसके हस्बैंड और डेड सुजिन की बॉडी उन्हें मिल गई है। कैंग सुजिन से कहता है कि डेड बॉडी के बारे में तो हम तीन लोगों को ही पता था, जीपोंग, सुजेन और मैं, कैंग। इसका मतलब इस मर्डर मिस्ट्री में तुम इन्वॉल्व हो। यह बात सुनकर सुजिन कार से उतर जाती है और भागने लगती है। कैंग सुजिन से पूछता है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। इस पर सुजिन कैंग से कहती है कि सच में मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, और यह बात कहकर उन दोनों में किस हो जाती है। अब पुलिस को कैंग के बारे में शक होने लगता है। वो उसकी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी पर रेड डालने वाले होते हैं। यह बात जैसे ही कैंग को पता चलती है, वो जीपोंग को फोन लगाकर कहता है कि वहाँ का सब साफ कर दो। जीपोंग सब साफ करने में सक्सेसफुल हो जाता है और पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता। पुलिस को कैंग की फोन रिकॉर्डिंग्स चेक करने से पता चलता है कि वो जीपोंग के कॉन्टेक्ट में है, तो पुलिस जीपोंग को ढूंढने लग जाती है। उसके बाद सुजिन के हस्बैंड का फ्यूनरल था, उस पर कैंग भी आया था। वो दोनों एक रूम में मिलते हैं और दोनों किस करने लग जाते हैं। वो दोनों इंटीमेट होने ही वाले होते हैं, तभी कैंग को अपना रिफ्लेक्शन मिरर में दिखता है और वो यह सोचता है कि मैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसका एक उसूल है, वो कभी किसी पर चीट नहीं करता, तो वो वहीं पर रुक जाता है। उसके बाद वो यांग से मिलता है, जो कि उसकी वाइफ होती है। उसकी वाइफ उसे कहती है कि ये सुजेन के फ़ोन रिकॉर्डिंग्स है, और जिस दिन उसके हस्बैंड का मर्डर हुआ था उस दिन तुम भी उसके कांटेक्ट में दिखे हो, ये बहुत ही स्ट्रेंज है। उस पर कैंग उससे कहता है कि तुम इसको बड़ा मत बनाओ, इसके पीछे एक रीज़न है। कैंग का फ्रेंड हैन, जो कि ऑफिसर होता है, वो कैंग से कहता है कि तुम्हारे और सुजिन के बीच में क्या चल रहा है, क्योंकि इस वजह से तुम बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकते हो। तभी अगले दिन एक डिलीवरी बॉय कैंग के खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। कैंग उसे अंदर जाने से पहले ही पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो डिलीवरी बॉय उससे कहता है कि मुझे एक बहुत ही अट्रैक्टिव मन जिसका सेंट बहुत ही हार्ड है, उसने मुझे भेजा है। तभी कैंग को शक हो जाता है कि यह सुजेन ही है। तब वो सुजेन के पास जाता है और कहता है कि ये मर्डर तुमने ही करवाए हैं। उस पर सुजेन कहती है कि मेरे हस्बैंड को वो जिस लड़की से जिसका उसका अफेयर था उससे इंटीमेट होते हुए वो मुझे दिखाना चाहता है और मैं नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था। पर जिस दिन उसका मर्डर हुआ था उस दिन मैं वहीं पर थी होटल में और तुम भी थे, तो मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ और मैं यह कह सकती हूँ कि वो दोनों डेड बॉडी की वजह तुम ही हो, तुमने ही उन दोनों को मारा है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता था और कैंग के फ्रेंड को, जो कि डिटेक्टिव है, उसको जीपोंग और कैंग के बारे में, साथ काम करने के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो उसे अरेस्ट ही करने वाला था। तभी वो वहां से भाग जाता है। सुजिन के हस्बैंड के मर्डर वाले दिन सुजिन के कॉल हिस्ट्री में कैंग का नंबर था, इसलिए पुलिस का शक की सुई उसी पर थी। और सुजिन खुद से पुलिस स्टेशन जाकर उन दोनों डेड बॉडी की वजह कैंग ही है, उन्होंने उन दोनों को मारा है, ये ऐसा बता देती है। इस वजह से सारी पुलिस कैंग के पीछे पड़ जाती है। सुजिन कैंग से कहती है कि मैंने जो होटल की रिकॉर्डिंग ली थी वो मैंने तुम्हारी वाइफ को सेंड कर दी है। उसमें साफ साफ दिखा दिया था कि लास्ट में जब वो उसके हस्बैंड का मर्डर होता है, वो मर्डर और कोई नहीं बल्कि डेड सुजिन का बॉयफ्रेंड करता है, जो कि जिम ट्रेनर था, इससे तुम बेकसूर साबित हो जाओगे। सुजिन ने सिर्फ कैंग को मोहरा के जैसे यूज किया था। इसके बाद कैंग सुजिन से कहता है कि तुम चाहे तो मुझे मर्डर के चार्ज में अंदर करवा सकती थी, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। उस पर सुजिन कहती है कि मेरे लाइफ में जितने भी इंसान आए वो सब मुझे हर्ट करके गए हैं, पर जब भी मुझे ज़रूरत थी तब सिर्फ तुम ही मेरे पास आए हो, इसलिए वो उसे वो रिकॉर्डिंग सेंड करके बेकसूर साबित करवा देती है और वो वहाँ से चली जाती है। यांग के मन में जो भी गलतफहमी थी सुजेन
और कैंग के बारे में वो भी दूर हो जाते हैं। वो दोनों इंटीमेट कभी भी नहीं हुए ये उसे पता चल जाता है। उसके बाद कैंग बहुत ही सक्सेसफुल डिटेक्टिव एजेंसी चला पाता है। 2 साल बाद उसे एक खूबसूरत लड़की मिलने आती है और उसके पास एक टिकट और एक फ़ोन होता है जो वो कैंग को देती है। फ़ोन पर सुजैन उससे बात करती है। उसी ने उस लड़की को कैंग के पास भेजा हुआ रहता है टिकट और फ़ोन के साथ। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुजैन के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, इसलिए वो कैंग से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे पास आ सकते हो रहने के लिए। उस पर कैंग कहता है कि मेरा एक उसूल है, मैं किसी पर चीट नहीं करता और मेरी भी एक हैप्पी फैमिली है और मैं उसी में खुश हूँ। जब कैंग डेट सुजैन से होटल में मिला था तभी भी डेट सुजैन ने उसके ड्रिंक में कुछ तो भी मिला दिया था जिससे वो दोनों बेहोश हो गए थे। भी कैंग किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था और उसने उसके वाइफ पर कभी भी चीट नहीं किया था। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है दोस्तों। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।